आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत व्यवहार जगत का सुंदर विषय है, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता जीवन में अति आवश्यक होती है कि हम सुबह से शाम तक, जो जन्म से मृत्यु तक, जिन जिन लोगों के साथ व्यवहार करें उसमें हमारी कुशलता होनी चाहिए। वो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि अगले को ये महसूस ना हो कि ये अहंकार कर रहा है या मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। अगले को बुरा लग रहा हो वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार कुशलता के लिए कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सूर्योदय या उससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए। हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। कौन सा ईश्वर? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए, उनका रियलाइजेशन करना चाहिए, उनसे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण करना चाहिए और यह चिंतन करना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मन वचन काया से मुक्त रहने का अर्थ हो गया व्यवहार कुशलता, और ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं इसका मतलब हम आने वाले जन्मों के अंदर मुक्ति की नींव लगा रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए तभी हम व्यवहार कुशल बन सकते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अगर हम आसन प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि व्यवहार कुशलता का विषय है। तो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा को भी मध्यगत नजर रखना पड़ेगा। उन्होंने WHO ने बताया कि जो व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य इमोशनल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ और सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ, पांचों तरह से जिसकी हेल्थ सही होगी वही रियल मायने में हेल्दी पर्सन गिना जाएगा। तो व्यवहार कुशलता स्वास्थ्य बिना नहीं रह हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो हम पहले स्वास्थ्य की बात करें। फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए और आसन करना चाहिए। हम आसन करेंगे, श्रम करेंगे तो हमारे जितने बॉडी के मसल्स हैं, बॉडी को चलाने वाले सारे मसल्स होते हैं, हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं, वही काम करते हैं। चाहे हाथ के हो, चाहे पांव के हो, चाहे गर्दन के हो, चाहे पेट के हो, चाहे किसी के हो, वो मसल्स जो है डक्टाइल, वो मुलायम, वो चिकने कब रहेंगे? जब हम आसन करेंगे। आसन 72 तरह के होते हैं और हम जो जो हमको सूट करता हमारी उम्र के अनुसार वो आसन किया जाना चाहिए। दूसरा मेंटल हेल्थ, मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य
बहुत बड़ा स्वास्थ्य है, और जो मेंटली पीस में रहता है वह राजा भोज है, वह एक अच्छा इंसान है, वह एक सुखी इंसान है, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। और जितने भी बीमारियां आजकल हो गई है वो साइकोसोमेटिक है नहीं है, पहले मन बीमार होता है फिर तन को बीमार करता है। तो मन हमारा बीमार ना हो उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, ऐसे प्राणायाम के भ्रामरी, शीत उष्ण भ्रामरी, ये सारे किया जाना चाहिए। उससे हमारा जो दिमाग फ्रेश रहता है और हमारा जो मस्तिष्क है वो अकेला 20% ब्लड को खींचता है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड है ये दिमाग लेता है। तो अगर हमारे को जितनी हम प्राण वायु ज़्यादा भीतर खींचेंगे प्राणायाम के द्वारा, तब तक हमारा ब्लड जो है जितना जितना शुद्ध होगा और हमारी जो है मेंटल पीस बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी। तीसरा इमोशनल हेल्थ, तो इमोशनल हेल्थ जो है वो हमारे जितने भी नकारात्मक सोच है, देखिए हमारे आगमों के अंदर 18 तरह की नकारात्मक सोच बताई गई है, प्रणातिपा, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये सारे जितने भी नकारात्मक भाव है इनको सकारात्मक में बदलना, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हरेक दुख में से सुख निकालने की कला सीखना। जितना जितना हमारा सकारात्मक रवैया होगा और जितने हमारे इमोशंस क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये उपशांत रहेंगे उतना हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा होगा। हम जो है वो इंटेलेक्चुअल से जो हम जो है वो भीतर की ओर जाएंगे, यानी हम इंट्यूशनल बन जाएंगे, हमको जो है विद्वान से पंडित बनना है, हमको अज्ञा के संसार से प्रज्ञा के संसार में जाना है। हमारी बुद्धि है वो अज्ञा का संसार है और प्रज्ञा का संसार है वो मोक्ष की प्रतिनिधि, वो इंट्यूशनल वर्ल्ड है जहाँ पर सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ केवल वाइब्रेशन वाइब्रेशन ही रहती है। तो ये हमारा सारा इमोशनल हेल्थ है। स्पिरिचुअल हेल्थ है वो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, और धीरे धीरे निरालंबन ध्यान जो बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान की स्थिति आ जाती है, पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था आ जाती है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया, और सोशल हेल्थ जो है, जो व्यवहार कुशलता, इन सब चारों के स्वास्थ्य से जो है हमको परिणति क्या होती, रिजल्ट क्या मिलता है, वो है व्यवहार कुशलता। सोशल हेल्थ को हम व्यवहार कुशलता कहते हैं कि व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में कितना अच्छा है, कैसा है। तो ये सारी हमारी सोशल हेल्थ है, हम परिवार में कैसे रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से कैसे रहते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, माता पिता के साथ हमारा क्या रवैया है, भाई बहनों के साथ कैसा रवैया है, और जो हमारा वर्किंग फील्ड है जहाँ हम काम करते हैं उन लोगों के साथ में हमारा कैसा रवैया है, वो सारा जो है व्यवहार कुशलता का समय होता है, व्यवहार कुशलता का एरिया होता है, उसके अंदर में व्यवहार कुशल रहना चाहिए। अब देखिए कि अब सोशल हेल्थ हमने चालू कर दी है, तो व्यवहार कुशलता के लिए सबसे हमारे पास में क्या क्या सूत्र होना चाहिए। सबसे पहले व्यवहार कुशल व्यक्ति वह होता है जो अहंकार नहीं रखता, जिसका अहंकार बहुत उपशांत है, क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके उपशांत होते हैं वह बहुत अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि व्यवहार कुशलता में बाधा लाने वाला अहंकार है। तो जब ये अहंकार नाग की तरह जो जो है फड़फड़ाने लगता है, तब वो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है, सामने वाले को इन्फीरियर समझने लग जाता है।
तो यह जो है वो व्यवहार कुशलता को तोड़ने वाली बात हो जाती, वो अव्यवहार कुशल हो जाता है। और दूसरा जो है व्यवहार कुशलता के अंदर हमको देखना चाहिए कि हमारी जो भाषा शुद्धि होनी चाहिए। भाषा शुद्धि का अर्थ ये हो गया कि हम जो बोलें वो हमारा जो वचन मीठे होने चाहिए, प्रिय होने चाहिए, कटु नहीं होने चाहिए और साथ साथ में किसी का अहित करने वाले नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसी गोपनीय चीज जो कि हम सही मान करके उद्घाटन कर देते हैं, अगले वाले को फांसी तक लग जाती है। ऐसी स्थिति में व्यवहार कुशलता के लिए कहा गया कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम। यद्यपि आप जो कह रहे हो 100% सत्य है, लेकिन उसके बोलने से अगर हमारा समाज विरोधी हो जाएगा तो ऐसा वचन मत बोलो, वो हितकर नहीं है, वो प्रिय नहीं है। तो इसीलिए हम प्रिय बोलें, हितकर बोलें, सीमित बोलें, आवश्यक हो उतना ही बोलें, उससे हमारी व्यवहार कुशलता जो है बनी रहती है। व्यवहार कुशलता के लिए हमें अनेकांतवादी बनना होता है कि हमारा दृष्टिकोण, हमको ये सोचना चाहिए कि 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व की है, तो उसमें हरेक की अपनी अपनी चिंतन आइडियोलॉजी, मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग होंगे उतनी उतनी उनकी मान्यता होगी, उनके व्यू पॉइंट होगा। तो हरेक का अपना अपना व्यू पॉइंट है, वो सत्यांश है। उन सब के 7.8 अरब की जनसंख्या के सत्यांश को जोड़ते हैं तब वो जाकर के परफेक्ट ट्रूथ बनता है। और परफेक्ट ट्रूथ को एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है जिसको मिल जाता है वो केवल ज्ञानी वश इस हमारे औदारिक शरीर में परमात्मा ईश्वर स्वयं हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो अनेकांतवादी दृष्टिकोण रखने से हम व्यवहार कुशल हो जाते हैं, हम अपनी बात को किसी को थोपते नहीं हैं। ये जितने आग्रह है, आग्रह कुदाग्रह और जो है वो सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें होती है व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ने वाली होती। इसमें हम किसी के प्रति थोपते हैं बात को, और थोपी हुई बात कोई लाइक नहीं करता है। तो इसलिए हमें आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। हमें अपन को किसी भी विचारधारा के अंदर आग्रह नहीं करना है। हमारे जैसे घर की खिड़कियां खुली रहती है तो ठंडी ठंडी बयार आती है, उस तरह से हमें दिमाग की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। यानी दूसरे का जो चिंतन है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, सर्वधर्म संभाव किया जाना चाहिए। जैसा हमारा धर्म है वैसा भी दूसरे का धर्म है, उसका स्वागत करेंगे तो हम व्यवहार कुशल बनेंगे। और केवल हमारा धर्म ही दूसरे पर थोपना चाहेंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुर्जन व्यक्ति है। आपको बहुत सी चीज़ों का आपके प्रति ग्लानी पैदा हो जाएगी उनके जो है दिलो दिमाग के अंदर। तो हमें जो व्यवहार कुशल करने के लिए दूसरे के जो है वो चिंतन को तवज्जा दी जानी चाहिए। अब व्यवहार कुशल जो है बनने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, यानी हम एक एक क्षण का मैनेजमेंट करें। जिस व्यक्ति को मिलने के लिए, जिस संस्था में जाने के लिए, जो कार्य करने के लिए हमने टाइम दिया है, 2-5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि कि क्या हमारी रेपुटेशन बनती है कि ये व्यक्ति जो है टाइम का पंक्चुअल है। कोई भी संस्था के अंदर, कोई भी जो है वो इस प्रोग्राम में आपको 10 बजे बुलाए और आप 11 बजे जा रहे हैं, तो जैसे आपका समय इम्पोर्टेंट है, हरेक का समय इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग आपको तवज्जा नहीं देंगे और धीरे धीरे आप लोगों से कटते जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट, समय की पाबंदी एक बहुत बड़ा गुण है, वो हमें पालन करना चाहिए, उससे हमारी व्यवहार कुशलता बढ़ जाती है। और देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर व्यवहार कुशल बनने के लिए जो है वो हमें ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, इसका पालन करना चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो आप जो है अपने प्रतिष्ठान में
और कोई देवी को बिठाओ या ना बिठाओ, लेकिन नैतिकता रूपी देवी को बिठा दोगे तो आप हमेशा नैतिक रहोगे। यानी आप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिक्स रेट, फिक्स नाप, फिक्स तोल, कोई किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और आपकी मंशा ये रहेगी, मुझे तो रीजनेबल मेरा प्रॉफिट है जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जावे, मेरा भरण पोषण हो जावे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप एक फिक्स जो है क्राइटेरिया रखोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक होंगे, क्योंकि आपकी ये व्यवहार कुशलता को बढ़ा देता है। और दूसरा, व्यवहार कुशल अच्छा बनने के लिए हमें हमारे जीवन में कभी भी क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध करता है तो सबसे पहले वो टेंशन में आ जाता है, और सामने वाला जिस पर क्रोध किया जाता है वह भी टेंशन में आ जाता है। तो दोनों टेंशन में आने से जो कार्य करना होता है, करवाना होता है, वो तो गौण हो जाता है और वो अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। अब दोनों को मिलकर के कोई कार्य करना था, वो कार्य तो हुआ नहीं, बल्कि दोनों टेंशन लेकर के और वापस चले गए। ये क्रोध है, एक दावा नल है, एक अग्नि है, इसको हमें दूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध को आश्रय देते हैं उनका घर बर्बाद हो जाता है और वो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें जो है वो जो क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। अब जो आप अगला जो है सूत्र हम जो आपको बताना चाहते हैं व्यवहार कुशलता के लिए, वह सूत्र ये है कि आप कमिटमेंट, फर्म टू दी कमिटमेंट, आपने किसी से कोई काम करना है और आपको कोई करवाना चाह रहा है और आपको करना ही है, आप कमिटेड हो, तो आपको जो है उसका जिस टाइम पे करना होता है, जिस रूप में करना होता है, वो जो है आप जो है वो उसी हिसाब से जो है मेंटेन करना चाहिए। अगर आप वो अतिरिक्त काम नहीं कर सकते हो तो ज़्यादा लोड क्यों बढ़ाते हो, आप थोड़ा ही काम लो ना। कोई ज़रूरी थोड़ी, दुनिया में तो बहुत से हज़ारों सैकड़ों कार्य है और करोड़पति अरबपति एक से एक बढ़ के बड़े बड़े हैं, तो आपको क्या ज़रूरी है क्या अभी आज का आज करोड़पति बनना है और ज़्यादा ओवरलोड कार्य करने से करना क्या है आपको। जो आपको धन को अतिरिक्त संचय करके परिग्रह को बढ़ाना है तो उसके पीछे जो है आपकी लॉजिक ये होनी चाहिए कि मुझे तो बिजी रहना है, मुझे अपने करेक्टर को मेंटेन करना है, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना है, दो पैसा कमाना भी है, तो वह जो है आप लिमिट के अंदर अप्रोचेबल होना चाहिए, वही करना चाहिए। अनलिमिटेड जो है वो कोई काम या जो है आप अपने हैसियत से ऊपर जाकर के कोई भी जो कार्य लोड ले लेते हो, कार्य कर लेते हो, वो गलत है और उससे हमारी व्यवहार कुशलता जो है नहीं बनी हुई रह सकती है। और व्यवहार कुशलता के लिए देखिए, कोई भी सामने हमारे से बड़ा आ गया तो हमें प्रणाम के साथ, नमस्कार के साथ उसका स्वागत करना चाहिए, छोटा है तो उसको वात्सल्य देना चाहिए। और जो है व्यवहार कुशलता का एक सबसे बड़ा गुण है कि हमारे में प्रमोद की भावना होनी चाहिए। प्रमोद की भावना का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आपका भाई आगे बढ़ रहा है, आपका रिलेटिव आगे बढ़ रहा है, आपका फ्रेंड आगे बढ़ रहा है और उसने किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा विकास किया, तो आपको उससे डहा जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इस तरीके से काम करके और अचीवमेंट्स को प्राप्त करें, और जैसे आप ख्याति प्राप्त कर रहे हो हम भी वैसी ख्याति प्राप्त करें। तो ये जो प्रमोद भावना है, ये जो एक अच्छी भावना है, ये व्यवहार कुशलता का चिन्ह है। और हम क्योंकि समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी, अकेले नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति ये कहे मैं तो साधना करने के लिए हिमालय की गोद में जा रहा हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ भी उसको जो है समाज चाहिएगा। कैसे चाहिएगा, खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, और रहने के लिए जगह चाहिएगी, और उसकी सुरक्षा चाहिएगी उसको वाइल्ड एनिमल से, तो वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा। तो व्यक्ति समाज को इग्नोर करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग कहते हैं कि समाज तो मेरी जेब के अंदर है और मैं समाज को नहीं मानता हूँ, समाज को तो मैं ही चलाने वाला हूँ। ऐसे व्यक्ति जो समाज को निम्न मानते अपने को उच्च मानते हैं, तो उनकी रेपुटेशन ज़्यादा नहीं होती है और वो
जल्दी से जल्दी गिरते हुए, डिमोलिश होते हुए और जो कहना चाहिए नुकसान को प्राप्त करते हुए देखे गए। हमेशा हमें समाज को तवज्जा देनी चाहिए, हमें अपनी समाज की एक घटक इकाई रूप के अंदर मानना चाहिए। तभी जब लोग हमको जो है वो प्रेस्टीज देंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। मियाँ मिट्टू बनने से कुछ होता नहीं है, ये लोग तो हमको मान के नहीं और हम अपने आप को मान मान समझते और मान कहते रहते हैं, उससे क्या होगा? आखिर तो लोग कहेंगे, मान्यता तो लोग देते हैं हमको, मान्यता समाज देता है हमको, हमको जो कुछ भी पहचान देता है वो समाज देता है। समाज के प्रति हमें ऋण रहना चाहिए और समाज का हमें ऋण उतारना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा गुण है व्यवहार कुशल होने के लिए, वो ही मैं बताना चाहता हूँ कि दुख में से सुख निकालने की कला जाननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम जो है वो रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर टू व्हीलर चला रहे हैं और सामने से रॉन्ग साइड में आकर के किसी टू व्हीलर वाले ने हमको जो है चोट पहुंचा दी, हमारे स्क्रैच आ गया, हाथ के लग गई, खून आ गया, तो आपने जो है वहाँ पे बिना टकराव किए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हमारे इतना सा थोड़ी सी खरोंच से काम हो गया, और अगर मैं गिर जाता और ब्रेन हेमरेज हो जाता या मेरे एक्सीडेंट से जो फ्रैक्चर हो जाता तो कितना बड़ा काम होता। तो आपने उसको जो है वो न्यून मान करके छोड़ दिया कि ईश्वर आपका परम परम धन्यवाद है और ये सब मामला टल गया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में सामने वाले से तू तू मैं करे तो दो गुट बन जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस कार्रवाई हो जाती है, फिर पुलिस जो उस मैटर को जो है कोर्ट में रखती, क्योंकि वो अपने पास रख नहीं सकती ज़्यादा समय, जो कोर्ट में जाता है तो उसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है और जो है वो वकील लोग लड़ते रहते कई सालों तक भी उसका निर्णय नहीं होता है। तो ये अव्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता तो उसके अंदर है कि आप झगड़ा पैदा करो ही मत। हम व्यवहार कुशलता के 5 सूत्र आपको और देना चाहते हैं। पहला सूत्र है कि जो है जगत निर्दोष, सारी दुनिया जिसके हम संपर्क में आते हैं सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक है, उनको निर्दोष मानना। सारी सृष्टि निर्दोष है, पूरी 84 लाख जीवायोनियों निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे भीतर भरा पड़ा है कि जो है मैं उस दोष के भीतर जो है दोष होने के कारण मैं किसी को दोषी देख रहा हूँ, वास्तव में कोई दोषी है नहीं। तो अपने भीतर के अंतर्ष को शुद्ध करो, उन दोषों को धो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के द्वारा, और जब हम धोएंगे तो सारा जगत हमको निर्दोष जब दिखाई देने लगेगा तो जग निर्दोष होते होते जगत निर्दोष हो जाएगा और स्वयं के दोष धुलते ही जो है हमारा कारमण सही समाप्त हो जाएगा। दूसरा, टकराव टालिए। हमको हर परिस्थिति में, चाहे घर में है चाहे बाहर में, हर स्थिति में अगर व्यवहार कुशल बनना है तो आप टकराव को टालते रहिए। टकराव को टालने का अर्थ ये है कि आपके घर में आपकी श्रीमती जी से या किसी भी दृश्य से तू तू मैं अगर हो रही है तो आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान के अंदर चले जाइए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तब जाकर के वो ज़्यादा बोलता है। अगर आप उस समय बोलने लग जाओगे वो आपको एक गाली देगा, आप दो दोगे, सामने वाला 4 देगा और फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। तो टकराव की स्थिति पैदा होते ही वो आप स्थान छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। जब शांति हो जावे तब आप कोई भी अपना पक्ष रखो तो वो पक्ष कार्यकारी हो जाता है और वो आपका जो पक्ष है वो सही पक्ष हो जाता है। तो टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, चाहे हम घर में हैं चाहे बाहर में, चाहे सड़क पे हैं चाहे किसी के सबके हाथ में है, तो हमको एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये ठंडा है, गर्म है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कपड़ा जो है वो मैला है या धुला हुआ है, कपड़ा सस्ता है या महंगा है, हर परिस्थिति के अंदर जो है हमें जो है एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एडजस्ट एवरीवेयर, हुआ सो न्याय, भुगते उसकी भूल, इसका अर्थ ये हुआ कोई व्यक्ति भुगत रहा है, आज बीमारी से ग्रसित है और वो हाय हाय कर रहा है, आर ध्यान कर रहा है, तो जो भुगत रहा है उसकी भूल है, जो भुगताना वाला जिसने कि मारा है पीटा है उसकी भूल नहीं है।
क्योंकि उसको तो कुदरत ने जो है ला करके खड़ा किया और तुम्हारे को पीटना चालू किया पिछले जन्म में, तुम भी पीट के आए होते, लेकिन ये आत्मा जो भूत में थी आज है और वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी, उसकी साक्षी है, उसने जो किया उसको सब ध्यान है, तुम्हारे को ध्यान नहीं है। तुम्हारा शरीर अलग था और भोगने वाला अलग है, करने वाला अलग है, तुम तो भूल गए, लेकिन आत्मा की साक्षी से सब काम तो भुगतता है, उसकी भूल है, और जो भुगताने आता है वो तो निमित्त होता है, जिसको कि जो है वो कुदरत भेजती है और कुदरत भेज करके और उसका हिसाब क्लियर कराती है, उसका नो डूज दिलाती है, और हमको भी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि आपके आने से जो है मेरे ये दोष धुल गए, तो मैं आपके प्रति जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो टकराव टाली एडजस्ट हुआ सो न्याय, पांचवां और अंतिम सूत्र यह है कि जो कुछ भी ईश्वर की तरफ से हो जाता है, चाहे हमारा काम बने या ना बने, हमारी सफलता मिले या ना मिले, कोई भी कार्य जब हमारे मन चाहे अनुसार नहीं होता है तो हमें मानना चाहिए कि हुआ सो न्याय, ईश्वर का आदेश यही है, जो हो गया है वह सही है, उसको सही मान करके, और आपको शांति रखना चाहिए, आपको उसके साथ प्रतिकार नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से पांच ही बड़े सूत्र हैं जो हमको व्यवहार कुशल बनाते हैं, और व्यवहार कुशलता के लिए हमारा जितना बन सके समाज की सेवा, परोपकार और जगत कल्याण जय जगत करना चाहिए। देखिए इस दुनिया के अंदर कितने कितने अभावग्रस्त लोग हैं, लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और विधवा और जो है अनाथ बच्चे, कितने कितने लोग अभावग्रस्त है, कितने कितने बेगस अभावग्रस्त है। अगर आपके पास में तन मन धन जो भी सेवा करने का हो तो उसके माध्यम से आप जो है समाज को समर्पित करो, उनके अभाव को मिटा करके स्वभाव के अंदर लाओ, तो ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और कुबेरपति हो तो धन की तीन अवस्थाएँ होती है। पहली अवस्था तो ये होती है कि आप अधिक से अधिक अच्छा जो है चैरिटी करो, दान पुण्य करो, तो वो पैसे का सदुपयोग है, और दूसरा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर पे आने वाले अतिथि के लिए, अगर आप जो है उसका आप अच्छा उपयोग करते हो तो आप व्यवहार कुशलता की श्रेणी के अंदर आ जाते हो, और वो किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में एफ्यूलेंसी, आपके पास में अतिरिक्त जो है वो धन है, तो अगर उसका उपयोग नहीं करोगे तो तीसरी अवस्था ये आती है कि एक समय के बाद में और एक जनरेशन के बाद के अंदर उसका विनाश हो जाता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो किसी समय में उनके पत्थर थिरा करते थे, वो करोड़पति थे, अरबपति थे, और आज दूसरी तीसरी पीढ़ी के बाद में वही लोग जाके उनके परिवार के सदस्य जो है आज वो रोडपति बन गए हैं, क्योंकि ये समय का फेर है, ये कर्मों का फेर है। तो हम तो ये चाहते हैं कि व्यवहार कुशल बनना चाहते हो तो आपके पास धन है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका दुरुपयोग का मतलब ये, आपने अपने पर ही सारा पैसा खर्च किया, वो अगर कुछ पैसा आप समाज के लिए लगाओ, लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए लगाओगे, तो वो पैसे की सार्थकता बनती है। तो ये व्यवहार कुशलता के सूत्र हमने आपको बताए, और व्यवहार कुशलता के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें आती है। आज का फ़ोन का ज़माना है, कोई व्यक्ति दो बार, चार बार, पांच बार, दस बार फ़ोन करे और एक बार भी आप उठाओगे नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, मान लिया आप कोई भी कार्य वो कह रहे नहीं कर सकते, आप उठा कह सकते हो भाई साहब मैं बिजी हूँ, ये कार्य नहीं कर सकता, ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है, तो ये नहीं किया जा सकता, उतने में उसको संतुष्टि होती, वरना वो इम्प्रेशन बना लेता है कि अहंकारी व्यक्ति है, ये फ़ोन पे बात भी नहीं करना चाहता है। तो इस तरीके से व्यवहार कुशलता के गुण है। वास्तव में व्यवहार कुशल वही व्यक्ति है जो कि विनम्र है, विनय का गुण है, सब गुणों की खान है। तो व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनने के लिए विनय का गुण लाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उससे जो है बातचीत करे तो उसके साथ में विनय की भावना, सम्मान की भावना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार इन सारे सूत्रों को अगर हम हृदयंगम करें, आत्मसात करें, तो हम अपने जीवन में एक व्यवहार कुशल व्यक्ति बन करके अपनी रेपुटेशन को हासिल कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी सौहार्द के साथ में वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बनकर एक ही वसुधा और वसुधैव की संतान अपने आप को समझ करके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से हम सभी सहवास करें, प्रेम से जिए, आपके प्रति मंगल भावना शुभ।